अलीशा राजपूत और सब खैरियत। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये व्लॉग है दिल्ली टू इंदौर और इंदौर टू पातालपानी जाने का। पातालपानी में हम सब कुछ लोग रुके थे और वहाँ बहुत सारी मस्ती की हम लोगों ने, तो वो सारी चीजें मैंने इंक्लूड किया। बट हाँ, ये व्लॉग फर्स्ट डे का है कि फर्स्ट डे हम कैसे वहां तक गए और बीच में हमने क्या क्या मस्ती की, क्या खाया, क्या पिया, वो सारी चीजें। अरे अगर मैं अभी सब कुछ बता दूंगी तो कैसे चलेगा, तो देखिए आगे। अरे वाह यार, क्या खेच लिया है, पहले क्रिकेट खेलती थी क्या? हाँ तो क्या, बहुत खेला है मैंने वो इंदौर की गलियों में मैच खेलते हुए, वो यादें यार। अच्छा तो पांच छह चीजें बता मैच की जो तेरी फेवरेट है। हाँ यार, धोनी का लास्ट टाइम में मैच को जिताना, बुमराह की बॉलिंग और अपने इंदौर की पोहे जलेबी जितने फेमस है, उतना ही इंडिया और पाकिस्तान के बीच जब भी मैच हो इंडिया के जीतने पर राजवाड़ा का माहौल फेमस है। हाँ यार, और वो सिक्सर। हाँ यार, जब कोई सिक्सर मारता है ना तो मजे आ जाता है। अरे वो सिक्सर नहीं, ये सिक्सर जो है Amazon Mini TV का शो, और ये अवेलेबल है Amazon शॉपिंग ऐप पे बिल्कुल फ्री। अरे वाह यार, अब तो साथ में देखेंगे। हाँ चल, अपने फोन पर Amazon शॉपिंग ऐप खोलो और ऊपर Amazon Mini TV का बटन दबाओ, वहाँ आप देख सकते हैं सिक्सर और वो भी बिल्कुल फ्री। ये अथर्व और ये उसका लगेज, ये रॉबिन और इसके दो दो लगेज हैं, दो लगेज हैं। और ये मैं हूँ और ये मेरा लगेज एक और मैं ये हूँ और ये है मेरा लगेज, तो एक ही में मैं आ जाती हूँ। और रॉबिन को दो दो लगेज लगे हैं, कपड़े लगे हैं। तो यहाँ सिक्योरिटी चेकिंग में फंसे हुए हैं रॉबिन और भीड़ दिखो। और इतनी भीड़ है अभी, हमारे पास सिर्फ आधा घंटा है, आधे घंटे में ये भीड़ क्रॉस करके हमको सिक्योरिटी चेकिंग क्रॉस करके गेट नंबर 60 तक जाना। बहुत दूर है। तो देखते हैं कि हम ये बैरियर पार कर पाते हैं या नहीं, और हमारी फ्लाइट मिस होती है या नहीं। डरा स्टे अपडेट। सो गाइस, हमने सिक्योरिटी चेकिंग करा ली है और हमने, और अभी हम जा रहे हैं गेट नंबर 60 पर। वहाँ पे बोर्डिंग स्टार्ट हो गया। हाँ चलो, बोर्डिंग स्टार्ट हो गया तो भागेंगे, तो भागेंगे हम। बट इस इंसान को कोई वही नहीं, दिक्कत ही नहीं, ये सो के भी लेट शूट। 10 मिनट रह गए और ये देखो चल रहे कैसे। और हम अभी जा रहे हैं जल्दी बोर्डिंग के लिए। बोर्डिंग में सिर्फ 10 मिनट बचा है और इन लोग जल्दी भाग नहीं रहे, तो मैं भी नहीं भाग रही, जो होगा देखा जाएगा। चलो यार जल्दी जल्दी चलते हैं। तो गाइस, हम अपनी अपनी सीट्स में बैठ चुके हैं। यहाँ पर वो बोलने वाले नहीं आए ना, तो ये लोग साइड में बैठकर चाय 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 चिल्ला रहे हैं, चाय गरम चाय। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये? इनके पास ना रहने को घर है, ना रोजगार है, ना पैसा है। और रॉबिन अभी भी अपने टिकट से खेलते हुए, बाकी फ्लाइट इतनी ज्यादा हुई नहीं है, तो अब लैंड करने पर मैं अब शूट करती, क्योंकि मुझे बड़ी तेज नींद आ रही है और मैं जा रही हूँ। Hey guys, तो हम इंदौर पहुंच चुके हैं और हम यहां से जा रहे हैं एक रिसॉर्ट में, जहां हम 5-6 इन्फ्लुएंसर्स हैं, सारे लोग एक साथ रहने वाले हैं और बहुत सारी मस्ती करने वाले हैं, वीडियोस बनाने वाले हैं। तो बीच रास्ते में हमें लग गई भूख और सोनू भैया ले आए यहां पर। यहां पे इंदौर की सारी फ्रेंचाइजी है ना, सारी फ्रेंचाइजी है, आपको अगर यहां आना है तो आप आ सकते हैं। यहां पर है, बताओ पूरा डिटेल दो भैया। ओपन है बाईपास पे, तो हाईवे ट्रीट पे आप आके सारे ही अच्छे अच्छे ब्रांड्स जो भी हैं इंदौर में वो सारे मिल जाएंगे। आप यहाँ पे खाइए और खिलाइए और मजे कीजिए, हम भी खाते हैं। सुनो भाई, आप क्या ले रहे हो?
फ्राइड राइस दोनों वैक्सीन लगे, मतलब तू कहीं भी जा सकता। लेकिन तेरा कोवैक्सीन लगा पाकिस्तान जा सकती हो? कोवैक्सीन में नहीं जा सकता। क्यों? कोविशील्ड चाहिए। रॉबिन भाई आप क्या खा रहे हो? समोसा लिया मैंने। तो गाइस हमने ऑर्डर किया था फ्राइड राइस जो आ चुका है, और अगर टेस्ट करके बताएगा कि कैसा है वो। मम्मी का टेस्ट करे अच्छा ही होगा। तुम टेस्ट करो। बहुत बढ़िया। मैं जल्दी जल्दी से खाना फिनिश करती हूँ और बाकी लोग तो खा रहे हैं वहाँ पे भी। ये भी अपने अपने कैसा है भैया? अच्छा टेस्टी है। तो सब अपना अपना खा रहे हैं और भूख बहुत जोर से लग रही है, तो मैं खाना खा लेती पहले, इसके बाद पहले सब जगह का बिल ले। बोला है कि वो लेना पड़ेगा। खाते खाते भी मेरी जान बोलते हो क्या? तो खाने के बाद मीठा जरूर होना चाहिए और आइसक्रीम मेरी फेवरेट है। बहुत अच्छा लगा, आप यहाँ जरूर आना। हाईवे ट्रीट वहाँ दिखाओ वहाँ। अब हम जा रहे हैं वापस, मतलब रिसोर्ट में। तो रिसोर्ट में मिलते हैं, बाय बाय। सो गाइस अब हम निकल चुके हैं वहाँ से, खा पी के पेट पूजा सबने कर लिया और हम निकल रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं हम? पताल पानी जा रहे हैं, जो कि हमारे घर से कितना किलोमीटर दूर है? 50 किलोमीटर दूर है। और हम निकल चुके हैं अभी वहाँ के लिए। आज बहुत तेज बारिश हुई तो मौसम बहुत अच्छा लग रहा है। अगर रास्ते में कोई जगह मिली तो हम वीडियो शूट भी कर ही लेंगे। सो गाइस आज फर्स्ट डे है यहाँ पताल पानी में और हम अभी चाय पीने वाले हैं। अरे अब बनाना कॉफी। कॉफी अरे बंदर तो नहीं वो दिखाएगी ना इसमें, मैं भर रहा हूँ। हाँ रुको रुको। तो पंकज भैया बना रहे हैं हमारे लिए चाय, दिख रहे हो ना? और पंकज भैया बना रहे हैं हमारे लिए चाय कॉफी, गरम चाय चाय कॉफी। भैया 10-10 रुपए सबसे ले लेना। ठीक है कॉफी। कैसी है कॉफी? टेस्ट करके बताओ कॉफी कैसी बनाई। गर्म है? चेस आपकी? अरे वो देखो ना, ले रहा हूँ मैं भी। ओके हेलो, कहाँ भी नहीं आ रहा। 7 days स्टोरी में देखो ना। चेस पुराना है वो तो। चेस ये वाली गई। क्या बोल रहा? चेस नहीं है ये, चाय है। चाय ओके। कॉफी है तो कॉफी पियो। जब तक हम कॉफी पीते हैं आप। तो ये ब्लॉग यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बोलो कि सब्सक्राइब करने। प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो और बेल आइकन भी दबा देना प्लीज। मेरे को फॉलो करो। सबसे कब मेरा है? दाढ़ी को केक हटाओ पहले। चलो बाय बाय दाढ़ा।